किसान चेतना परिषद के नेतृत्व में शुक्रवार को आढ़त व्यापारियों ने क्रय विक्रय पर कृषि मंडी सेंस कृषक कल्याण फीस के रहते उपजे आर्थिक संकट का निवारण करने की मांग प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को उपखंड अधिकारी के माध्यम से पत्र भेजकर की गई है। इस मौके पर व्यापारियों ने नई धान मंडी में सद्बुद्धि यज्ञ भी किया था। मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में व्यापारियों ने मांग की है कि मंडियों के अस्तित्व को बचाया जाए। इससे पूर्व नई धान मंडी के व्यापारियों ने मंडी प्रांगण में सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ आह्वान किया, जिसमें मंडी के काफी व्यापारी मौजूद रहे। सरकार द्वारा तीन किसान विरोधी कानून पास किए गए हैं लोकसभा और राज्यसभा में। तीनों ही किसान विरोधी कानून है और इन कानूनों का किसान, व्यापारी और मजदूर विरोध कर रहे हैं। उस स्वरूप आज हमारे खाजवाला मंडी में व्यापारी बंधुओं ने यज्ञ किया केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को सद्बुद्धि के लिए, और हम विरोध करते हैं कि इन कानून को हटाएं और किसानों को गुलाम न बनाएं। और रही बात, हम राज्य सरकार से भी निवेदन करते हैं कि वो इतने बड़े स्ट्रक्चर को बचाने के लिए, इन मंडियों को बचाने के लिए मंडी सेंस 50% लागू करे, जो निकटवर्ती राज्य हरियाणा में लागू कर दिया गया है और पंजाब की उसकी ओर अग्रसर है। इसलिए हमारे राजस्थान सरकार से निवेदन है कि वो किसान हित को देखते हुए यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री